हालात चाहे कुछ भी हो, ये हुकूमत इलेक्शन से फरारी है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा, आज का दिन इंतहाई अहम है, जमहूरियत ने जीतना है या रुस्वा होना है। उन्होंने कहा, मुल्क में जमहूरी निजाम ने चलना है या अनारकी ने फैलना है। अब मामला इंसाफ के तकाजों का नहीं रहा बल्कि मुल्क की बका का बन गया है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद बोले, मुल्क में काबीना हर रोज एक नया तमाशा लगा देती है। 85 लोगों की काबीना में वही लोग हैं जो 85 वोट भी नहीं ले सकते। पीडीएम को अपने केसेस में डूबने का खतरा लाहक है, वरना सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि किसको वोट दो। अदालत तो कह रही है कि सिर्फ इलेक्शन करवाओ।